जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम। और गाइज यहां पे आप सबको बता दूं, जो भी अंतिम वर्ष के छात्र थे उनकी डिग्री और मार्कशीट को AKTU के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताऊंगा। एकदम अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। गाइज आपको इसके लिए आपका रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि AKTU की वेबसाइट पर वन व्यू पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही जो आपका आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए। सो गाइज वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, मैं आपको सारा प्रोसेस बता। सो गाइज डिग्री और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले digitallocker.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर आना होगा। और उसके बाद से आपको यहां पे देखिए लिखा है साइन इन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद से इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। तो अगर आप लोगों ने यहां पे अगर अकाउंट नहीं बनाया तो यहां पे क्रिएट अकाउंट, ये देखिए नीचे ऑप्शन है, यहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपका आधार नंबर और आपका मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपका नाम पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आप इसमें भर दीजिएगा। तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं इस वीडियो में यहां पे। उसके बाद जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लोगे उसके बाद से आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहां अपना आधार नंबर डाल कि आप लॉगिन कीजिएगा। यहां पे अपना आधार नंबर पहली बार डालोगे, फिर साइन इन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो आधार नंबर जिस मोबाइल से रजिस्टर होगा उस पे ओटीपी आएगी, तो ओटीपी आप यहां पे डाल दीजिएगा। फिर जब आप ओके करोगे तो आपसे पूछा जाएगा पिन सेट करने के लिए 6 अंकों का, तो कोई भी आप पिन सेट कर लीजिएगा 6 अंकों का, ताकि अगली बार जब आप यहां पे लॉगिन करो आधार नंबर डाल के तो आपसे ओटीपी मांगने की जरूरत ना पड़े, आप पिन ही डाल के लॉगिन कर लोगे। तो गाइस जब आप अपना पिन डाल के लॉगिन यहां पे कर लेते हो फाइनली, तो यहां पे आपको क्लिक करना होगा गेट इशूड डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद से गाइज यहां पे एक पेज खुलेगा, यहां पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइज यहां पे इस तरह का आपको एक पेज दिखेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है हल्का सा। यहां पे आपको देखिए मिलेगा एजुकेशन का ऑप्शन, इसके सामने यहां देखिए लिखा है व्यू ऑल, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से गाइज यहां थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, और यहां देखिए आपको अपना AKTU का लोगो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर देखिए ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं यहां पे, 2017-18 के बाद जितने छात्रों ने मतलब पास किया है उनको, उनका सारा डिग्री और मार्कशीट यहां पे उनको मिल जाएगा। यहां पे आपको डिग्री यहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो, यहां से अपना मार्कशीट जो है अपने हर ईयर का डाउनलोड कर सकते हो आप। सो गाइस यहां पे डिग्री इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका रोल नंबर और आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो पूछा जाता है, जो कि आपको अपने 1B के रिजल्ट में इनरोलमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से वो ले सकते हो। उसके बाद से आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यहां पे गाइस मैं क्लिक करके दिखाता हूं आपको। सो गाइज इस तरह का आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आती है। तो यहाँ पर देखिए आपको आपका आधार कार्ड का सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पर गाइज आपसे पूछ रहा है आपका रोल नंबर, ठीक है, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। उसके बाद से इसके ऊपर आपको क्लिक करके और गेट डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिग्री होगी वो सक्सेसफुली आपके इशूड डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। इशूड डॉक्यूमेंट आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जब आप क्लिक करोगे, तो मैंने ऑलरेडी गाइज डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पे इशूड डॉक्यूमेंट में जब मैं क्लिक करूंगा तो गाइज यहाँ देखिए आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इस नाम से एक फाइल आएगी, और यहाँ पे एक देखिए लिखा है डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्कशीट अपनी डाउनलोड की थी वो भी यहां दिखा रही है। यहां पे PDF पे क्लिक करोगे तो आप PDF खुल जाएगी आपकी। इसी तरह डिग्री का जो सर्टिफिकेट होगा, आपकी डिग्री होगी, वो आपको यहां पे मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। तो यहां पे मैं इससे आप डिलीट भी कर सकते हो यहां पे। ओके, तो इस तरह से आपको चारों साल की अपनी डिग्री और मार्कशीट आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूं कि अगर आपको अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी है तो उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। सो गाइज अगर आपको अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी है किसी भी ईयर की, तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चुनना होगा, और उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपका जो भी आधार का डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे भी आपको अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और किस ईयर का चाहिए वो भी आपको चुनना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ अपना रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, और इसके बाद यहाँ पे आपको चुनना होगा कि आपको किस साल का चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पे फिफ्थ ईयर इसलिए दिया है, कोई कोर्स हो सकता है 5 साल का हो तो उसका, यहाँ पे 5वें साल का भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके आप अपना हर ईयर का जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे जो भी मार्कशीट वाले, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। ओके, और उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई प्रोवाइड माई कंसेंट, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ गेट इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वो भी डाउनलोड होकर इशू डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो आपका डिग्री और मार्कशीट दोनों चीजें आपको इस जगह मिल जाएंगी इशू डॉक्यूमेंट में। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ गाइज। तो यहाँ पर देखिए आपका, जैसे यहाँ पे यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा मार्कशीट, इसमें आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपका डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा, सर्टिफिकेट यानी डिग्री आप कह सकते हो, वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसी तरह आपको मिल जाएगी। एक बार आप जब
फैच कर लोगे सारा डेटा, तो आपका सारा यहीं पे आ जाता है। यहीं से गाइज अपना आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th क्लास की मार्कशीट 12th क्लास की मार्कशीट सारी चीज़ें आप इसी तरह यही डैशबोर्ड में आप ऑप्शन जाके अपना चुन के डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है, अपना पैन कार्ड, वोट कार्ड, आधार कार्ड भी सारी चीज़ें यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डिजिटल लॉकर का। ये आपके आधार से सारी चीज़ें जितनी चीज़ें लिंक होती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ समझ में आई होगी। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके नीचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को यार लाइक करना, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं पड़ी है जिसमें आपको ये चीज़ें बताई गई हूँ। तो गाइज मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।